हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके बोर्ड परीक्षा में जो पहला पेपर था हिंदी का वह बेकार गया है, तो दूसरे पेपर में कॉपी लिखते वक्त आपको क्या ट्रिक्स लगानी है जिससे कि आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर अच्छा जाए और आप एक अच्छा नंबर पा पाए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ट्रिक्स बताएंगे जिसको कि अगर आप कॉपी लिखते वक्त अपने बोर्ड परीक्षा में लगाते हैं तो इतना गारंटी है कि आपका दूसरा पेपर अच्छा जाएगा और उसमें जो है कि आप एक अच्छा नंबर पा सकते हैं, आप बोर्ड एग्जाम में जरूर पास हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह वीडियो है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि अगर आपके बोर्ड परीक्षा में पहला पेपर बेकार गया है तो दूसरे पेपर में आपको कॉपी लिखते वक्त क्या ट्रिक लगानी है जिससे कि आपका पेपर अच्छा जाए और एक अच्छा नंबर आप पा पाए। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहला जो काम आपको करना है जब बोर्ड एग्जाम में आप कॉपी लिखें, तो सबसे पहले आपको हैंड राइटिंग पर ध्यान देना है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी हैंड राइटिंग पर ही ध्यान देना है, क्योंकि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी को चेक करता है तो सबसे पहले वह आपके हैंड राइटिंग को देखता है। तो हैंड राइटिंग जो है कि आपको काफी सुधार करना है, अच्छे अच्छे कॉपी को लिखना। अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है तब आप कोशिश करिए कि थोड़ा स्लो लिख करके शुरू के जो 4 से 5 पेज है वह अच्छा अच्छा लिखिए, जिससे कि क्या होगा कि एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा और वह आपको अच्छा नंबर देगा। तो फ्रेंड्स, आपको पहली ट्रिक यही लगानी है और उसके बाद जो दूसरी ट्रिक आपको लगानी है वह यह है कि जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसको अभी छोड़ देना और जो प्रश्न आ रहा है उसको पहले करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको दूसरी ट्रिक से यह लगानी है कि जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसको आपको साइड में छोड़ देना है और जो प्रश्न आ रहा है सबसे पहले उसको क्रम वाइज करते चले जाना है। बीच बीच में आपको जगह नहीं छोड़नी है, जिससे कि क्या होगा कि जो जो प्रश्न आ रहा है सबसे पहले अगर आप वो कहे रहेंगे तो एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, वह देखेगा तो समझ जाएगा कि यह लड़का जो है कि वह पढ़ने में अच्छा है और वह जब सभी क्वेश्चन आपके एक लाइन से सही रहेंगे तो वह जो है कि हाली हाली आपकी कॉपी को चेक कर देगा और आपको अच्छा नंबर देगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि जो प्रश्न आ रहा है सबसे पहले आप उसको करिए और उसके बाद जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है उसको लास्ट में करिए। तो तीसरी ट्रिक यही है कि जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है उसको लास्ट में करिए, लेकिन सभी प्रश्न को आपको करना है। जी हाँ बच्चों, क्या होता है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि जो प्रश्न आ रहा है उसको तो कर लेते हैं लेकिन जो नहीं आ रहा है उसको टच भी नहीं करते, उसको नहीं करते हैं। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है, जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है उसको भी करना है। आप उसके आसपास की चीजों को लिख दीजिए, उसके वन अगर नहीं आ रहा है, एकदम नहीं आ रहा है, तो उसके अगल बगल की चीजों को आप जरूर लिख दीजिए, जिससे कि क्या होगा जब आप शुरू में जो प्रश्न आ रहा था उसको किए थे तो उसको चेक करते जब एग्जामिनर आएगा तो यह भी प्रश्न का जब आपका चेक करेगा तो उस पर भी आपको नंबर दे देगा। तो इसलिए आपको तीसरी ट्रिक यही लगानी है कि सभी प्रश्न को आपको करना है। और उसके बाद जो चौथा काम आपको करना है वह है हेडिंग। जी हाँ दोस्तों, यह मिस्टेक बहुत से स्टूडेंट करते हैं कि क्वेश्चन में हेडिंग नहीं डालते। जिस भी क्वेश्चन को लिखते हैं उसमें हेडिंग नहीं डालने से क्या होता है, एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करता है तो उसको पता नहीं चल पाता। मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में आपने जो है कि क्वेश्चन नंबर में मिस्टेक कर दिया, तो हेडिंग की वजह से आपको पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि किस क्वेश्चन का आपने आंसर लिखा है, लेकिन अगर हेडिंग नहीं डालेंगे तो एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको हेडिंग जरूर डालना है और हेडिंग डालते हैं तो आपकी राइटिंग भी अच्छी हो जाती है, देखने में कॉपी आपकी अच्छी लगती है, तो जिससे एग्जामिनर भी खुश हो जाता है और उसको भी कॉपी आपकी चेक करने में आसानी होती है। इसलिए आपको चौथी ट्रिक यही लगानी है कि हेडिंग हर क्वेश्चन में डालना है, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। और उसके बाद जो पाँचवा ट्रिक लगाना है फार्मूला या यूनिट। जी हाँ दोस्तों, आपको जो है कि अगर कोई प्रश्न हल कर रहे हैं जैसे मैथ्स का क्वेश्चन है तो उसमें अगर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला आपको जरूर लिखना है और साथ ही में उसको या तो ब्लैक पेन से लिखिए या जहां पर आप लिखे हैं उसको जो है कि ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दीजिए, जिससे कि क्या होगा कि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करेगा तो वह फॉर्मूला को देखता है तो आपने किस फॉर्मूले का यूज किया है। तो जब आप उसको काली पेन से लिखे रहेंगे या अंडरलाइन किए रहेंगे तो एग्जामिनर की नजर सीधे उस पर पड़ जाएगी और वह चेक कर लेगा। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाते हैं लेकिन उसमें जो है कि फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, फॉर्मूला तो लगा देते हैं लेकिन बगल में जो है कि फॉर्मूला को नहीं लिखते, जिससे कि एग्जामिनर नहीं समझ पाता है और वहां पर आपके नंबर कट जाते हैं। तो यह चीज करना है। और यूनिट भी आपको लिखना है, जैसे फिजिक्स का अगर कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें यूनिट होता है तो यूनिट लिखिए, या जो है कि अगर मैथ्स का कर रहे हैं तो सेंटीमीटर वगैरह जो यूनिट होती है, मीटर में निकाल रहे हैं तो मीटर लिखे, सेंटीमीटर में निकाल रहे हैं तो मीटर लिखे। तो यह सब जो यूनिट होता है उसको भी आपको
लिखना है। यह भी गलती स्टूडेंट करते हैं कि यूनिट नहीं लिखते हैं तो वहां पर भी नंबर कट जाते हैं। अगर 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है तो वहां पर आपका 1 नंबर कट जाएगा, सिर्फ 4 नंबर मिलेंगे। तो यह गलती आपको नहीं करनी है, यह सब काम आपको करना है, आपका पेपर जरूर अच्छा जाएगा। अगर पहला पेपर बेकार हुआ है तब भी जो है कि दूसरा पेपर अच्छा जाएगा। यह सब ट्रिक आप लगा लीजिएगा, आप मैथ्स में जो है कि बहुत ही अच्छा नंबर पा सकती है, कोई भी पेपर रहे उसमें बहुत ही अच्छा नंबर पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।